यूपी की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की बेहतर सेहत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सोमवार को आईसीयू से बाहर निकाल दिया है। अब वे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो वहीं रविवार को मेदांता ने रामपुर के सांसद आजम खान के हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्हें पहले की तुलना में उन्हें अलग से कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो वहीं सोमवार को मेदांता ने बताया कि आजम खान की सेहत अब बहुत बेहतर है, उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं डॉक्टरों ने भी बताया कि आजम खान की तबीयत देखने के बाद ही उन्हें ये फैसला किया है। आपको बता दें कि 9 मई की रात 9 बजे के करीब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोरोना संक्रमण की वजह से मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो वहीं 11 मई को आजम खान की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। शुक्रवार को आजम खान की सेहत के बारे में मेदांता के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया था कि सीवियर कोविड इन्फेक्शन के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है। शुक्रवार तक उन्हें 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। रविवार को बताया गया कि उन्हें पहले से कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, अब वह पहले से बहुत बेहतर है और उनका इलाज सीवियर इन्फेक्शन डिजीज प्रोटोकॉल के तहत क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में चल रहा है। तो वहीं मोहम्मद अब्दुल्ला खान की स्थिति स्थिर और संतोषजनक है, उन्हें भी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।